नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि आपके हर आर्थिक सपने को हम उड़ान दे सके, उसे पंख दे सके एक सही सटीक आर्थिक रणनीति के जरिए। बेहद खास शो लेकर आए हैं आपके लिए आज। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। देश की कामयाब बेटियों की कहानी में आज जानेंगे बहुत कम समय में अपनी आइडियाज और प्रोडक्ट क्वालिटी से तरक्की की राह में आगे बढ़ने वाली वैशाली गुप्ता को फाउंडर मैकेफिन की कहानी। फेडेक्स कुरियर के नाम से आया एक मैसेज और उड़ गई आपकी पूरी कमाई। जी हाँ, ऐसे फ्रॉड कॉल मैसेजेस से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें, जानेंगे साइबर एक्सपर्ट से। कैसे दें अपनी मेहनत की कमाई को निवेश का तड़का, कैसे बनाएं पैसे से पैसा, बताएंगे आज। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, लोन, टैक्स से जुड़े सवाल भेजना चाहते हैं तो ईटी मनी बनो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। नंबर है 9619873567। इस नंबर पर अपने सवाल लिखित रूप में भेजें, वीडियो बनाकर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में जरूरी काम और खाने के अलावा बहुत ही कम लोग होंगे जो हेल्थ के बारे में सोचते हैं। लोग बीमार होने पर हेल्थ के बारे में जरूर हालांकि सोचते हैं और ऐसी हेल्थ अवेयरनेस में कमी के चलते हो सकता है, लेकिन जब हमें यही पता नहीं हो कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है या फिर किन सुविधाओं का लाभ उठाकर हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, तब तक भला हम कैसे इस दिशा में आगे कदम उठाएं। हेल्थ अवेयरनेस को लेकर महिलाएं आगे आई हैं और कई माध्यमों से लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल जीने की कला भी सिखा रही हैं। तो आज हम देश की कामयाब बेटियों की कहानी में एक ऐसी महिला के बारे में जानेंगे जो लोगों को स्वस्थ रहने की जानकारी देती हैं। स्वागत करना चाहूंगी मैकेफिन की को फाउंडर वैशाली गुप्ता का। वैशाली, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। देश की कामयाब बेटियों की कहानी नाम है ये सेगमेंट का, जहां पर हम चाहते हैं कि आप जैसी कामयाब महिलाओं की कहानियां देकर वो तमाम महिलाएं जो कि जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उन्हें प्रेरणा मिले। तो आपसे पहला सवाल तो यही होगा कि आखिर इंडियन स्किन केयर के लिए कॉफी और उससे बने प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि काफी अनयूजुअल है, आपने कैसे सोचा? हम लोगों ने लगभग एक साल रिसर्च किया था। हम समझ रहे थे कि इंडिया में, भारत में किस तरीके से ब्यूटी और पर्सनल केयर का मार्केट बना हुआ है, और हमारी रिसर्च में हमें ये इंग्रेडिएंट एक निकल कर आया, कैफीन जो है, बड़ा एक चीज हुआ था हमारे साथ। मेरे एक पार्टनर हैं तरुण, तो उनकी आंख में स्वेलिंग थी थोड़ी सी, एंड उनके एक रूममेट ने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप जो चाय पत्ती का बैग होता है वो ठंडा अपनी आप आंख पे रख लीजिए। तो वो उन्होंने किया और उनकी आंख काफी सही हो गई। जितना उनका यहाँ पे पफीनेस था, जो हम बोलते हैं यहाँ पे, कई बार आपकी आंख के नीचे कुछ कुछ स्वेलिंग होता है, कुछ कुछ वाटर रिटेन हो जाता है, तो वो सही हो गया। तो फिर हमने पता किया तो वहां से निकल कर आया कि कैफीन काफी पुराना इंग्रेडिएंट है दुनिया का। सबसे पुराने इंग्रेडिएंट्स जब ब्यूटी और पर्सनल केयर की रिसर्च स्टार्ट हुई थी, उसमें ये इंग्रेडिएंट निकल के आया था, जो आपके स्किन और आपकी हेयर, आपके बालों और आपकी स्किन दोनों के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इनकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो उसके कारण ये आपकी स्किन के ऊपर होने वाले सारे डैमेज को काफी प्रोटेक्ट करता है, उसको रिपेयर करता है साथ में, और आपके बालों को काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो हमने जब इस पे रिसर्च किया तो हमें पता चला कि इंडिया में कोई ब्रांड ही नहीं है जो इसके ऊपर प्रोडक्ट्स बनाता है, और हमें लगा कि यार इतना महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो क्यों नहीं हम इसको इंडिया में लेकर आए। तो वहां से हमारी कैफीन की
जर्नी चालू हुई, हमने काफी देर रिसर्च किया, फिर हमने अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए, और हमने पहले कुछ प्रोडक्ट्स थे जहां पे हम अपनी कुछ गलतियां कर रहे थे, फिर हमने वापस से रीलॉन्च किया 2018 में। तो आज आप जो ब्रांड देखते हो वो 4 साल पुरानी ब्रांड है जो 2018 नवंबर में लॉन्च हुई थी, हमने कॉफी के साथ लॉन्च किया और कंज्यूमर्स को काफी पसंद आए ये प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर्स ने काफी अच्छे रिव्यूज और फीडबैक्स दिए। हमने 3 प्रोडक्ट से लॉन्च किए थे और आज हमारे पूरे ब्रांड में 80 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कॉफी के प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन टी के प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सब स्किन और हेयर केयर के लिए प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे कंज्यूमर्स ने बहुत पसंद किए हैं, एंड हमसे और उनकी और डिमांड्स आ रही हैं जो हम आगे आने वाले कुछ सालों में और पूरी करेंगे। तो वहां से हमारी कैफीन की जर्नी स्टार्ट हुई। ऑलराइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है आपका और काफ़ी यूनिक भी, लेकिन क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस तो होते ही हैं, वैशाली आप भी मानेंगे काफ़ी उतार चढ़ाव आपने झेला होगा, और यही उतार चढ़ाव हैं जिनकी वजह से आप आज जो कुछ भी बन पाई हैं उसी चैलेंजेस की वजह से बन पाई हैं। तो बताएँ अपने कुछ चैलेंजेस के बारे में, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? तो मतलब अगर मैं आपको एक शब्द में बताना चाहूँ तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है, बहुत एक्साइटिंग, बहुत चैलेंजिंग, एंड बहुत मज़ा आया। मतलब काफ़ी फुलफिलिंग रहा है ये पूरा एक्सपीरियंस। हमने 2015 में ये जर्नी स्टार्ट की थी और 2018 में हमने आज आपको जो प्रोडक्ट्स और जो ब्रांड दिखता है वो हम मार्केट में लेकर आए। तो 3 साल तक हमने काफ़ी सारी गलतियां की, हम बहुत सारी चीज़ें समझ रहे थे, सीख रहे थे, एंड काफ़ी सारे चैलेंजेस हमें फेस हुए इस जर्नी में, बट धीरे धीरे हमने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करते हुए आगे बढ़ते गए और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो जर्नी सबसे पहले तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत एक्साइटिंग और बहुत चैलेंजिंग रही। आप जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हो तो वो हमेशा चैलेंजिंग ही होती है, बिकॉज आप स्टार्ट अकेले करते हो और फिर आप और लोगों को अपने साथ लेकर चलते हो, आपको अपनी टीम, अपनी कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती है, बड़ी बनानी पड़ती है लोगों के साथ, तो वो आपके इनिशियल बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, एंड उस तरीके के चैलेंजेस हमें भी आए। हम 5 लोग हैं, मेरे 4 और को फाउंडर्स भी हैं, तो 5 लोग थे हम लोग, तो हमारे लिए काफी सारी ये जर्नी इजी हो गई क्योंकि हम बहुत सारे काम साथ में मिलके बांट लेते थे, कुछ साथ में कर लेते थे स्टार्टिंग में, और अब हमने अपनी टीम काफी एक्सपैंड कर ली है। हम 5 लोगों ने स्टार्ट किया था और आज हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ 1000 लोगों की कंपनी है, एंड इसमें से अब हम 40 से 50 लोग हमारी लीडरशिप में है। तो वो 5 से 40 और 40 से 1000 होने में चैलेंजेस आए, बट उन चैलेंजेस में बहुत सारा मजा रहा, एंड फाइनली अब हम एक बड़ी इंडिया की काफी बड़ी एक ब्रांड में है, एंड वो जर्नी आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आज अगर आप मुझसे पूछें इस साल इंडिया के कस्टमर्स हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स पे 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करेंगे, जो बहुत बड़ा टेस्टिमनी है हमारे लिए। हम 50% से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉय करते हैं, एंड दैट और वो हमारे लिए पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, आई एम वेरी प्राउड कि इतने सारे लड़कियां, इतनी सारी वुमेन हमारी कंपनी का हिस्सा हैं जो हमारे साथ इस कंपनी को ग्रो कर रही हैं, एंड 80 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, एंड हम सभी मार्केट प्लेसेस पे Amazon, Nykaa, Flipkart एंड मल्टीपल अदर मार्केट प्लेसेस पे प्रेजेंट हैं। 10,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं हमारे, अभी हम रिसेंटली शॉपर्स स्टॉप पे भी गए हैं, हम हेल्थ एंड ग्रो में अवेलेबल हैं, तो काफी सारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड हो चुका है, एंड आलिया भट्ट हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इन 4 सालों में हमारी ब्रांड इस तरीके से ग्रो हुई है, हमारी जर्नी इस तरीके से बढ़ी है आगे, जो काफी अच्छा लगता है।
I'm sure इतनी मुश्किलों से जब आप आगे बढ़ते हो तो जब फाइनली आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ कर दिखाया है उसका आभास ही कुछ अलग होता है वैशाली, तो बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं आप जो इतनी खुश हैं अभी. लेकिन फिर भी आप एक महिला हैं और महिलाओं की एंटरप्रेन्योर जर्नी जो होती है वो पुरुषों से थोड़ी सी अलग होती है ना. और महिलाओं होने के नाते बहुत सारी अड़चने भी हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस करती हैं. ये मुझे बताएं कि लोगों के माइंडसेट को लेकर और जिस तरह से आपने चैलेंजेस बताए हैं, जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल, आपने कुछ अड़चने आपको आई क्या सामने? क्या पूरा सिस्टम इतना सपोर्टिव था आपके लिए? मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ही जर्नी, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में बड़ी परेशानियां आती हैं बिकॉज काफी चैलेंजेस आते हैं. जैसे मैंने आपसे पहले बात की, लड़कियों के लिए डेफिनेटली ज्यादा आते हैं. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लड़कियों पे रहती हैं. पर्सनली भी आपको अपने घर पे भी ध्यान देना होता है, आपको अपनी एक लाइफ सेटल करनी होती है. एंड इंडिया में कुछ सालों से अब बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि लड़कियों को सपोर्ट किया जाए काम करने में, लड़कियों को और ग्रोथ मिले. तो वहां पे चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं. मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं, मैं बहुत लकी रही हूँ. मेरे पेरेंट्स एंड माय इन-लॉज, माय इंटायर फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है. उन्होंने मुझे मेरे डिसीजंस में हमेशा सपोर्ट किया है. अगर मुझे कंपनी स्टार्ट करनी थी या मुझे आज कुछ बड़ा स्टेप लेना है तो उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है मुझे मेरी फैमिली की, मेरे हस्बैंड की. तो वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगता है. बट बहुत सारी लड़कियों को कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं इस जर्नी में. तो उनकी फैमिली, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत सारी चीजें डिमांड करती है. आप एक लड़की से अपना अपना करियर स्टार्ट करते हो, उसके बाद आपकी एक फैमिली सेटअप होती है, देन यू हैव चिल्ड्रन. तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस होते हैं. बट आई हैव ऑलवेज, मतलब मुझे काफी अच्छा लगा है कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है. तो वहां पे मुझे बहुत सारे चैलेंजेस नहीं रहे. तो दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू से. बिल्कुल, काफ़ी खुशनसीब रही हैं आप उस लिहाज से देखा जाए कि आपको इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है. लेकिन आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, इतना नाम आपने कमाया है, कुछ ऐसा भी हुआ होगा ना जहाँ पर कुछ लोगों ने आपको चैलेंज किया होगा या कहा होगा कि चलो देखते हैं कितना आगे बढ़ती है, तो उन लोगों के व्यवहार में कोई बदलाव, उनका नज़रिया आपकी तरफ अब कितना अलग हो गया है? तो ये तो आई थिंक मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे. पहले जैसे आपने बोला पहले स्टार्टिंग में कि कैफीन आप कैसे लेकर आए इंडिया में, तो उसमें काफी सारे चैलेंजेस हमें आते थे. बहुत सारे लोगों को नहीं लगता था कि कैफीन और कॉफी के प्रोडक्ट्स इंडिया में इतने बड़े बन सकते हैं. बट कंज्यूमर्स, इंडिया की जो कस्टमर्स हैं, उन्होंने बहुत एक्सेप्ट किया इस प्रोडक्ट को. तो अब हमें वही लोग काफी सपोर्ट करते हैं. वो लोग बहुत एक्साइट होते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि अच्छा कैसी रही, कैसे आपने ग्रो किया, कैसे आपने इतने सारे कस्टमर्स के साथ ब्रांड बनाई. तो वहां पे उनको भी काफी आश्चर्य होती है कि किस तरीके से हम ग्रो किए हैं. तो वहां पे एक बदलाव आता है. एंड सेकंड एक चीज आती है, दोस्तों का, फैमिली का बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है. जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबको एक डर लगता है कि क्या ये बड़ा बनेगा, क्या वो जो हम साल, जो हम इतना सारा वक्त किसी चीज को बनाने में लगाएंगे, तो वो बाद में जाके उतने रिजल्ट्स देगा कि नहीं. तो वहां पे बहुत सारा कॉन्फिडेंस फ्रेंड्स और फैमिली का भी हमें मिला है. तो ये दो पार्ट्स में हमें काफी सारे चेंजेस मिले हैं. अब लोग बहुत सारे लोग समझते हैं, सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये पूरी ग्रोथ हुई है. एंड वहां पे हमें काफी अच्छा लगता है. तो वो तो डेफिनेटली बड़ा चेंज आया है. बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपको हंसते हंसते तमाम सवालों के जवाब देते हुए. ये मेरे ख्याल से एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की भी निशानी है जो अपनी जर्नी से काफ़ी सेटिस्फाइड है, इनफैक्ट और आगे बढ़ना चाहते हैं. लेकिन वैशाली, कोई ना कोई रोल मॉडल तो रहा होगा ना, किसी ना किसी को देखकर तो आपने भी कहा होगा ना कि इसकी तरह बनना है. कौन है आपका रोल मॉडल? मेरा रोल मॉडल
मेरे रोल मॉडल स्टारबक्स के सीईओ हैं, हावर्ड शुल्ट्ज़। सो उनको कॉफी बहुत पसंद है और वो काफी पैशनेट थे स्टारबक्स को बनाने के लिए। तो मेरा बहुत सारा इंस्पिरेशन उनसे आया है। एंड दूसरे हैं फिल नाइट, जो नाइकी के फाउंडर हैं। तो द पैशन, उनका जो पैशन था, जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स एंड एथलीट एज अ पैशन को एक बड़े बिजनेस में बनाया, तो वहां से मेरा एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन आता है। तो इन दो लोगों से मैं बहुत सीखती हूँ कि इनकी इनकी जर्नी में क्या चैलेंजेस आए होंगे, क्या मुश्किलें इन्होंने अपनी पूरी जर्नी में फेस की होंगी, और उससे सीखने का ट्राई करती हूँ। तो ये दो लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा सीखती हूँ। इन अ नटशेल अगर हम समझना चाहें वैशाली, तो क्लियरली एंटरप्रेन्योर्स की जो जर्नी होती है वो आसान नहीं होती है, है ना? अगर मैं टेक अवे समझना चाहूँ, क्या कुछ सीखा है आपने इस जर्नी में से, क्या कहेंगे? तो जैसे मैंने बोला, जर्नी बहुत कठिन होती है, महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए ज्यादा होती है। तो मैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुझे पता है कि बहुत सारे पर्सनली आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कई बार आपका करियर रुक जाता है, बट एक चीज बहुत जरूरी है, वो है फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बने, आप अपना करियर बनाए, मेहनत करें उसके लिए, थोड़ा सा लड़े, एंड आप अगर लड़ोगे उसके लिए, तो आपके आसपास के जो लोग हैं, मतलब मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत सपोर्टिव हैं। भारत चेंज हो गया है लास्ट 10 सालों में, लड़कियों को बहुत सपोर्ट मिली है, उनकी फैमिलीज की, उनके हस्बैंड्स की, सोसाइटी की, टू ग्रो। एंड आई ऑलवेज फील कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है लड़कियों के लिए, तो वो डेफिनेटली मेंटेन करें, अपना करियर करियर किसी चीज के भी लिए ना रोके, बिकॉज हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां काम करती हैं, वो बहुत पैशन से करती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जिस तरीके से अपनी करियर में ग्रो करती हैं, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं, वो खुद को सपोर्ट करती हैं, लीड करती हैं अपनी फैमिली, अपने करियर को, अपनी खुद की लाइफ को, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और मुझे लगता है कि अगर आप करोगे तो आपको देख के और लड़कियां, या और इनफैक्ट और लड़के भी इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने वैशाली, और यही मकसद है हमारे इस ख़ास पेशकश का भी, ताकि जितना हो सके हम लोगों को इंस्पायर करें। अच्छा, आपकी जर्नी की एक बहुत ही अनोखी कहानी है, और हर किसी की एंटरप्रेन्योर जर्नी में अगर हम देखें तो रिजेक्शन बहुत अहम रोल प्ले करता है ना? रिजेक्शन को आपने कैसे फेस किया, उसको कैसे समझा, और कैसे रिजेक्शन का इस्तेमाल किया और बेहतर बनने में? मुझे ऐसा लगता है कि आप जब अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी में होते हो, तो आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हो, बहुत सारे इश्यूज फेस करते हो, और रिजेक्शन भी उस चैलेंज का एक पार्ट आता है। बहुत सारे लोग आपके आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आपके बिलीफ, आपके सोचने के तरीके को रिजेक्ट करते हैं। तो कुछ लोग अगर उसको रिजेक्ट करते हैं, तो उससे डीमोटिवेट होकर छोड़ ना दें उस चीज को, आप उससे सीखें। जब भी कोई बंदा रिजेक्ट करता है आपके आइडिया को, आपकी सोच को, तो आप उससे डेफिनेटली पूछें कि यार आपने रिजेक्ट क्यों किया इस आइडिया को, ताकि आपको कुछ सीख मिले उससे। और एक बार आप उसको सीख की तरह लेंगे, तो हो सकता है कि अगली बार आप उस पर काम करके अपने आइडिया को, अपनी सोच को और अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, या उस पर और अच्छे से काम कर पाए। तो रिजेक्शन के लिए तो मेरा पहला सीख यही रहेगा कि आप सीखें उस रिजेक्शन से कि वो रिजेक्शन क्यों है, और चलते रहे। रिजेक्शन आएंगे, हर हर पड़ाव पे आएंगे, जिस तरीके से आप बढ़ते रहेंगे, बट उससे सीखना और उससे आगे बढ़ना ही मेरे लिए हेल्प किया है। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आपको फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं या आपसे समझना सीख लेना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे?
मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोच के कि यार नहीं कर पाएंगे या पता नहीं क्या होगा, इस कारण से रुक जाते हैं। तो पहले सोच के मत रोकिए खुद को, एफर्ट मारो, एक बार आप ट्राई जरूर करो ताकि आप आगे सीखो। गलती करने से ही सीखोगे और उसी से आगे बढ़ोगे। तो यही मेरा सबसे पहले ही चीज रहेगी कि गलती करने से मत डरो और ट्राई जरूर करो। एंड भारत में आगे बहुत सारे बिजनेसेस बनेंगे अगर लोग ट्राई करेंगे। चलिए, तो वैसे तो पूरी कहानी आपकी हमने जान ही ली है, और आपके ब्रांड के बारे में, आपके निजी सफ़र के बारे में, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसी चीज़ है जो मैकेफिन को इतना अलग बनाती है? पहली चीज तो कैफीन है। हम एक बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट को हमारे प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, तो पहला तो कैफीन है। दूसरा है कि हम आपकी स्किन और आपके बालों को अच्छा बनाएंगे, बेटर बनाएंगे। हम आपको चेंज करने में बिलीव नहीं रखते। हमारे प्रोडक्ट्स आपको गोरा बनाने में विश्वास नहीं रखते। हमें लगता है वो गलत है। हमें लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसके लिए सोल्यूशन बनाएं। हम उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो उस तरीके से हम अलग हैं। तीसरा, मैं थोड़ा सा अपने टीम और जिस तरीके से हमने कंपनी बिल्ड की है उस पे अगर बोलूं, तो हम लोग हम बहुत हम्बल रहते हैं और बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, जो हमें इस पूरी जर्नी में बहुत हेल्प किया है। हम अपने कस्टमर्स के साथ भी बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। जो प्रोडक्ट की डिटेल्स, अगर उनको कुछ भी चाहिए, कुछ भी पूछना होता है, तो हम बहुत ओपनली, बहुत ट्रांसपेरेंट बता देते हैं। वही कल्चर हम अपनी कंपनी में भी प्रमोट करते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो मुझे लगता है कि एम कैफीन को अलग बनाती हैं। वैशाली गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश के लिए, और यही उम्मीद करते हैं कि मैकैफिन जैसा ब्रांड जो आपने इतनी अच्छी नीयत और इतने कड़ी मेहनत के साथ बनाया है, इस मुकाम तक इसको पहुंचाया है, ये आगे भी बढ़ता ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन